एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास अलजेब्रा का थर्ड लेसन अंक गणितीय श्रृंखला, जिसका करेंगे हम एक्सरसाइज 3.4। 3.4 हमारा शाब्दिक या इबारती जो प्रश्न है उसके ऊपर आधारित है। और इस एक्सरसाइज के पहले बच्चे लोग यह डाउट में होते हैं कि कौन सा सवाल ऐसा है जहाँ पर हमें SN का फार्मूला लगाना है या TN का फार्मूला लगाना है। तो इस एक्सरसाइज में आपका यह डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कहाँ पर आपको SN का और कहाँ पर आपका TN का फार्मूला लगाना है। मैं उसको आपको डीपली एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज 3.4 में टोटल यहाँ 6 क्वेश्चन हैं और 6 क्वेश्चन को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ SN का और कहाँ TN का हमें फॉर्मूला लगा के उसे हल करना है। तो सॉल्व करने के पहले मैं सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन लगेगा आपके लिए टफ है उसको मैं सॉल्व करके भी दे दूँगा। और अगर पूरी वीडियो की सॉल्यूशन चाहिए तो आप इंग्लिश मीडियम की जो मैंने सॉल्यूशन वीडियो बनाया है उसको जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा हमारा है, सानिका ने 1 जनवरी 2016 को निश्चित किया कि उस दिन 10 रुपया, दूसरे दिन 11 रुपया, तीसरे दिन 12 रुपया इस प्रकार बचत करके रखना है। 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितना होगी। अब देखिए बात यहाँ पे हमें करते हैं कि हमें पहले दिन उसने कितना जमा किया है 10 रुपया, मतलब ए का मान तो हमें पता चल गया किसी भी सम में ए का मान कितना हो जाएगा 10। अब अगले दिन 11, अगले दिन 12, तो डिफरेंस कितना हो रहा है 1, मतलब डी भी मिल गया, ए का मान भी मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमें क्या क्या मिला, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमें ए का मान क्या मिला 10 और डी का मान कितना मिला 1 मिल गया। अब उसके बाद बात आती है आगे कि उसने 2016 के पूरे महीने, मतलब कि 12वें महीने जनवरी से जब जमा करना शुरू किया था, पूरे 12 साल भर में उसने कुल कितना जमा किया। कुल मतलब क्या निकालना पड़ेगा आपको, SN का फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर वही बोलता केवल 12वें महीने तक उसने कुल, हाँ खाली 12वें महीने में कितना जमा किया यह पूछता, या तो दूसरे महीने में कितना जमा किया ये पूछता, तो हम क्या है जितना डेट आ जाता उतने डेट के हिसाब से निकाल देते। अगर समझ के 2 महीना हो जाता तो 2 महीने के हिसाब से हम 60 दिन या जितना भी दिन होता उस दिन से हिसाब से निकाल लेते। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि पूरे साल भर में उसने कुल कितना जमा किया, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, SN का लगेगा। और SN का लगाने के लिए हमें N की वैल्यू चाहिए। और देखिए जो 2016 है उसमें कितने दिन थे हमें निकालना पड़ेगा, तो 2016 है यह 4 से डिविजिबल मतलब कौन सा ईयर रहेगा, लीप ईयर रहेगा। और लीप ईयर में कितना दिन होते हैं 366, मतलब N का मान हमें कितना मिल गया 366 मिल गया। N का मान मिल गया, A का मान मिल गया, D का मान मिल गया। आप SN का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं अभी, चलिए तो आप इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट अभी आगे देखते हैं, सब मैं एक दूसरे को सॉल्व करके बताऊंगा, बट इसको यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि A का मान मिल गया, D का मान मिल गया और N का मान मिल गया, तो SN का फार्मूला लगा के हम निकाल लेंगे तो उसकी बचत ज्ञात हो जाएगी। अब सवाल दूसरा मैं आपको समझा रहा हूँ, किसी व्यक्ति ने 8000 रुपये कर्ज लिया, टोटल कर्ज कितना लिया उसने 8000 रुपया लिया, और उस पर 1360 रुपया उसने ब्याज देने का वादा किया, मतलब सामने वाले से उसने लिया कितना 8000, लेकिन देने को अब कितना हो जा रहा है 1360 रुपया एक्स्ट्रा देगा, मतलब टोटल कितना वो सामने वाले को देगा 9360 रुपया टोटल देगा। और टोटल को हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लिख रहे हैं टोटल के लिए हम SN बोलेंगे, उसको 9360 रुपया टोटल वो पे करने वाला है, ध्यान दीजिएगा टोटल कितना पे करेगा 9360 रुपया। और वो भी क्या बोल रहा है, प्रत्येक किस्त के बाद 40 रुपया कम करते हुए 12 किस्तों में देगा, मतलब हर किस्त में क्या करेगा वो 40 रुपया कम करेगा। सपोज करिए आज 100 रुपया दिया तो अगले में 40 कम कर देगा, कितना देगा 60 देगा। इस तरह हमेशा क्या करके वो 40 रुपया कम कर देगा, मतलब कि जो डिफरेंस हम निकालने जाएंगे, सपोज करिए अभी 100 दिया अगले दिन में कितना देगा 60 देगा, तो डिफरेंस निकालना है तो पीछे वाले में से आगे वाला घटाएंगे कितना आएगा 40 आएगा, लेकिन बड़ा माइनस है इसलिए माइनस आएगा, तो डी का मान कितना आ गया माइनस 40 आ गया इसमें। अब बोल रहा है कि उसने कितनी बार में भरा है टोटल, यह रीपे कितना किया है लोन जो लिया था कर्ज, उसको उसने 12 किस्त में किया, मतलब एन का मान कितना 12। तो सवाल नंबर दूसरे में हमें SN मिल गया, डी मिल गया और एन मिल गया,
आज में अभी यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो ए है। ए को हम क्या बोलते हैं, पहला पद या तो प्रथम, यहाँ प्रथम किस्त हो जाएगी। भुगतान कर दिया है तो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई पहली और अंतिम किस्त कितनी हो। पहली किस्त मतलब क्या हो जाएगा, ए हमें ज्ञात करना है और अंतिम किस्त मतलब टी एन भी ज्ञात करना है। यह हमें सवाल नंबर दूसरे के लिए है। आज में आपको नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सचिन द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में पहले वर्ष 5,000, दूसरे वर्ष 7,000, तीसरे वर्ष 9,000 इस तरह प्रकार निवेश किया, तो सचिन ने 12 वर्षों में कुल कितना निवेश किया। बोला है 12वें वर्ष में कितना निवेश किया, नहीं बोला है। अगर बोलता 12वें वर्ष में कितना निवेश किया तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, टी एन का। लेकिन बोला है 12 वर्ष में उसने कितना निवेश किया वह हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले वर्ष में उसने कितना जमा किया, तीसरे सवाल के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारा दूसरे सवाल का एक्सप्लेनेशन था। तीसरे सवाल के लिए ए का मान कितना हो जाएगा, 5,000। डिफरेंस कितना हो रहा है, फिर बढ़ा रहा है कितना, 7,000 कर रहा है अगले साल, मतलब डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, 2,000 हो गया। ए का मान पता चल गया डी। अब बोला है 12 वर्ष तक जमा किया, तो एन का मान 12 है और टोटल कितना जमा किया वो हमें फाइंड करना, मतलब एस 12 ज्ञात करना है, बहुत ईजी है। एस एन का फार्मूला करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब आई बात नंबर सवाल नंबर चौथे की। चौथे में क्या दिया है, किसी नाट्य गृह में कुर्सियों की कुल 27 कतार है, 100 कतार है, उससे क्या लेना देना। आगे देखिए, पहली कतार में 20 कुर्सी है, पहली में हमें पता चल गया मतलब ए का मान कितना आपको मिल गया, यहाँ पे ए का मान 20 मिल गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि दूसरी कतार में 22 है, अगली कतार में इस तरह 24 कुर्सियाँ हैं, तो 15वीं कतार में कितनी कुर्सियाँ होंगी। 15वीं कतार मतलब टी 15 अपने ज्ञात करना, आपको समझ में आ गया। ए का मान मिल गया और डिफरेंस कितना दिखे, पहले में 20 है, अगले में 22 है, अगले में 24 है, डिफरेंस कितना, 2 आ गया। और इस तरह जो बोल रहा है कि 25वें में कितनी कुर्सी होगी ज्ञात करना है, कुल नहीं ज्ञात करना है, सॉरी 15वें कतार में कितनी कुर्सियाँ ज्ञात करना है, ये नहीं बोल रहा है 15वें कतार में कितनी कुर्सियाँ हैं कुल बताइए, नहीं, ओनली 15 में पूछ रहा है, मतलब टी 15 निकालना है। उसके बाद सवाल को और बढ़ाया उसने कि 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियाँ होंगी तथा नाट्य गृह में कुल कितनी कुर्सियाँ हैं। अब कुल कितनी कुर्सियाँ हैं तो उसके लिए हमें एन की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 27, क्योंकि टोटल कितनी कतार है, 27 कतार है, और वहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, एस 27 ज्ञात करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चौथा सवाल भी एक्सप्लेन कर दिया हमने। अब सवाल नंबर 5 की बात आती है। सवाल नंबर 5 में क्या है, कारगिल में किसी सप्ताह के सोमवार से शनिवार तक का सब तापमान दर्ज किया गया। सोमवार से शनिवार कितना दिन हो जाएगा, काउंट कर लीजिए, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, कितना दिन हो गया, टोटल 6 दिन हो गया। और 6 दिन का क्या है, तापमान आपको दिया है, दर्ज क्या है, और भी किसमें है, अंकगणितीय श्रृंखला में। बाद में ध्यान में आया कि जानकारी अंकगणितीय श्रृंखला में है। सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल मंगलवार तथा शनिवार के तापमान के योगफल से 5 अधिक है। यदि बुधवार का तापमान -30 सेल्सियस हो तो प्रत्येक दिन का तापमान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे अभी सोमवार से देखिए शनिवार तक टोटल कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए। अब 6 दिन का हमें क्या निकालना है, तापमान आपका जो ज्ञात करना है वह कैसे निकालेंगे हम, उसमें हमें मानना पड़ेगा। जैसे कि हमने पिछले सवाल में एक्सरसाइज 3.3 में किया था, 3 पद 4 पद 5 पद, इसी तरह यहाँ पे हमें कितने 6 पदों, जैसे दिन है सोमवार के लिए अलग, मंगलवार के लिए अलग और बुधवार के लिए अलग, हर दिन के लिए एक हम अंक गणितीय श्रृंखला से मान लेंगे। माना 6 दिनों के लिए जो तापमान है, ये अगर 6 संख्याएँ हो रही हैं तो आप क्या ले सकते हैं, यहाँ से -2d, -d, a+d, +2d, +3d, टोटल इस तरह में 6 दिन लेना है 6 संख्याओं के लिए। उसके बाद वहाँ पे जो शर्त दिया है उस शर्त के अनुसार हम करते हुए चले जाएंगे, इक्वेशन बनेगी, समीकरण बनेगा, उसको हल करेंगे तो यह भी ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यह सवाल किसकी तरह रहेगा, 3.3 के सवाल नंबर 7 और 8 की तरह ही है, उसको आप ध्यान दीजिए। आपको संख्याएँ लेना है, मेन संख्याएँ हैं, 3 संख्या बोलेगा तो आप क्या लेंगे, a-d, a+d, और 4 संख्या बोला तो आप क्या कर सकते, 2 आगे बढ़ा सकते, 2 पीछे बढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या संख्या लेंगे, कुछ भी लीजिए लेकिन संख्या प्रॉपर होनी चाहिए। अब इसको हम कोशिश करेंगे आपको करके देने के लिए, अगर देखते हैं अगर हो रहा है, अगर नहीं कर पाए तो आप इंग्लिश मीडियम की वीडियोस देखिए, उसको समझ में आपको आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 6th one है।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में त्रिभुजाकार जमीन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मतलब कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया गया जहाँ पे त्रिभुजाकार जमीन पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पहली पंक्ति में एक पौधा, दूसरी पंक्ति में दो पौधा और तीसरी पंक्ति में इस तरह के पौधे, तीन पौधे इस तरह के पौधे 25 पंक्तियों में लगाए गए। तो कुल कितने पौधे लगाए गए? बहुत ईजी है। सपोज के लिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखिए, यहाँ पर मान लिया मैंने ये पहला पौधा पहली लाइन में है, दूसरी लाइन में दो पौधे, तीसरी लाइन में तीन पौधे, चौथी लाइन में चार पौधे, तो ये ट्रेंगुलर शेप बन रहा है, त्रिभुजाकार बन रहा है। तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा? एक। डिफरेंस भी कितना हो जाएगा? एक। और टोटल इसी तरह कितनी पंक्तियाँ हैं? एक दो तीन चार पाँच, टोटल 25 है। मतलब एन का मान कितना होगा? 25। अब बोल रहा है कुल ज्ञात करिए, कुल कितने पौधे लगाए गए, तो SN का फार्मूला लगा के हम इसको भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करके हम बताते हैं। 3.4 का पहला क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। सानिका ने 1 जनवरी 2016 को निश्चित किया कि उस दिन 10 रुपये, अगले दिन 11 रुपये, अगले दिन 12 रुपये, इस प्रकार बचत करते रहना है। 31 दिसंबर 2016 तक की उसकी कुल बचत कितनी होगी? मतलब यहाँ पे सवाल मैंने आपको समझा दिया है, ए का मान कितना होगा आप बताइए। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ जो हमारा ए का मान है वह कितना होगा? 10, क्योंकि पहले दिन उसने कितना 10 रुपये जमा किया, अगले दिन 11, अगले दिन 12, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है? एक का। मतलब डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, क्योंकि 10 11 है तो 12, किसी भी क्रमिक पद का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो एक ही होता है। मतलब डिफरेंस भी हमने लिख दिया, एक हो गया। उसके बाद उसने बोला है कि 31 दिसंबर तक कुल कितनी बचत होगी, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, क्योंकि हर दिन उसने बचत किया है, हर दिन बचत किया, मतलब पूरे साल में कितना दिन होता है? 365 होता है। लेकिन यह जो 2016 है यह 4 से डिविजिबल है, मतलब क्या? लीप वर्स है, और लीप वर्स में कितने दिन होते हैं? 366 होते हैं, एक दिन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एन का मान हम क्या रखेंगे? 366 रख देंगे। अब यहाँ पे ए का मान और डी का मान और एन का मान हमें पता चल गया, लिख देंगे यहाँ पे कि लीप वर्स में 2016 में कुल कितने दिन से? 366 दिन थे, है नहीं थे, इसीलिए एन का मान कितना रखेंगे? 366। और यस 366 हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। या आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन से वर्ष में कितने दिन होते हैं। अगर 4 से डिविजिबल है तो लीप वर्ष, और लीप वर्ष में ध्यान रखना आप कितना होते हैं? 366, क्योंकि उस समय जो फरवरी है 29 दिन का हो जाता है। तो ए का मान, डी का मान, एन का मान पता चल गया। SN का हम फार्मूला लगाते हैं, SN इज इक्वल टू एन अपॉन 2A प्लस एन माइनस 1D। SN, N कितना है हमारा? 366। यहाँ पे 366 बटे 2, फिर 2A की वैल्यू कितनी है? 10। N की वैल्यू 366 माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है? 1 है। यह 2 से डिविजिबल है तो कर देते हैं 2 से, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, फिर 2 दहा में 20 प्लस, ये इसको माइनस करते हैं तो कितना 365 हो जाएगा। और 365 का अगर एक में गुणा करते हैं तो कितना? 365 इसको हटा ही देते हैं, 183 इंटू इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 385। इसका इसमें गुणा कर देते हैं आएगा 70455। S36 की वैल्यू आ गई है। अब इस इबारती वाले क्वेश्चन में जो होते हैं उसमें लास्ट लाइन जो होता है उत्तर की तरह होता है, उसको लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ, उत्तर आपको किताब की आखिरी लाइन में, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसकी आखिरी लाइन में मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की आखिरी लाइन क्या बोला था? 31 दिसंबर जो 2016 तक की उसकी कुल बचत कितनी हुई? तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? यही लास्ट में लिखना है, इसीलिए 31 दिसंबर 2016 तक की सानिका की, उसकी नहीं, सानिका की कुल बचत 70455 रुपया हुई। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने एक्सप्लेन कर दिया, आपको कंप्लीट भी कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है, जो सचिन है का है, 3 भी है और 4 भी है और 6 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 6 आप कर लीजिएगा। बचा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार बोर्ड में आया भी इस तरह का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा था
किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपये कर्जा लिया और उस पर उसने 1,360 रुपये ब्याज देने का वादा किया। प्रत्येक किस्त के बाद 40 रुपये कम करते हुए 12 किस्तों में उसने कर्ज का भुगतान कर दिया, तो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई पहली और तथा अंतिम राशि कितनी होगी वह हमें बताना। पहली और अंतिम किस्त, तो पहली किस्त को क्या मानेंगे हम ए और अंतिम किस्त क्या मानेंगे टी ध्यान रहे आपको पहली संख्या पहली किस्त एक ही होता है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या बोल रहा है कि किसी व्यक्ति ने टोटल 8,000 रुपया लिया प्लस 1,360 रुपया कर्जा, मतलब टोटल जब रिपे करेगा वह लोन का तो कितना अमाउंट पे करेगा, 9,000 जोड़ के हो जाएगा ना, 9,360 रुपया हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ SN का मान दिया है, मतलब 8,000 प्लस 1,360 इज इक्वल टू 9,360 हमारा SN है। और उसके बाद में बोल रहा है कि वह हर बार क्या है 40 रुपये कम देता है। मैंने आपको बता दिया था, सपोज़ करिए अभी 100 रुपया दिया, सपोज़ करिए अभी 100 दिया, फिर अगली बार 60 दे रहा है, मतलब डिफरेंस कितना हो रहा है इसका 40 हो रहा है, लेकिन बड़ा वाला माइनस है इसलिए -40, मतलब डी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा -40 होगा। और कितनी बार में देता है, 12 बार में वह पूरा अपना जो लोन है 9,360 इसको पूरा रिपे कर देता है। अब 12 बार में जब उसने रिपे किया तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ नहीं है, TSN है, D है, N है, मतलब A नहीं है, A निकालना पड़ेगा। A निकालने के बाद ही हम जो लास्ट वाला पद था TN जो मैंने बोला था अंतिम किस्त, तो उसको ही निकालने, मतलब हमें A निकालना है और TN, तो पहले हमें SN का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि SN दिया हुआ है। अगर TN दिया होता तो TN का फार्मूला, तो चलिए SN का फार्मूला पहले हमें A की वैल्यू ज्ञात करते हैं। SN का फार्मूला होता है SN इक्वल टू N पॉइंट टू A प्लस N माइनस 1 D। SN कितना दिया हुआ है 9,360, N का मान कितना है 12/2, फिर 2A का मान नहीं पता है, N का मान 12 माइनस 1, और D का मान कितना है -40। माइनस वाली संख्या को हमेशा ब्रैकेट में लिखते कभी भी ध्यान दीजिएगा। अब 9,360 को कुछ भी नहीं करना है, इसको डिवाइड कर देते हैं 6, बड़ा ब्रैकेट ही रहने देते हैं, A 2A प्लस ये कितना हो जाएगा 11 × -40। अभी 11 का गुणा कर देते हैं 11 जो को 40, 400 40 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे इसका यहाँ पे क्या है 6 का है यहाँ पे गुणा इस ब्रैकेट का, इस साइड का तो क्या हो जाएगा भाग 9,360 × 6 = 2A - 11 जो को 44, माइनस कैसे आया प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसको 6 से हम यहाँ भाग दे देते हैं और उसके बाद इसको यहाँ से हटाएंगे, चलिए 6 से भाग देते हैं, 6 से इसको भाग दें, 6 कम 6 बचेगा यहाँ पे कितना 3 और 33 हो गया, 6 × 5 = 30 कितना बचेगा 3 × 6 = 36 और यहाँ पे 0 = 2A - 440। 440 का माइनस इस साइड है तो क्या हो जाएगा प्लस 2A = 156 + 440 जोड़ दीजिए 40 और 60 कितना हो जाएगा 100 + 500 मतलब ये 2000। 2A का मान कितना आ गया आपका 2000, तो A का मान कितना 2000/2, तो A का मान कितना 1000, मतलब उसने पहली किस्त कितनी दी होगी 1000, फिर अगली कितनी किस्त देगा 960 क्योंकि 40 40 वो कम करके देने वाला था, इस तरह A का मान आ गया। अब A का मान आ गया तो हम लास्ट जो किस्त है उसको भी निकाल लेंगे, उसके होते हैं TN इज इक्वल टू A + N - 1 D। TN का मान कितना 12, A का मान कितना 1000 प्लस 12 - 1 और D का मान -40। 1000 को एज इट इज रखेंगे प्लस ये कितना हो जाएगा 11 × -40। 11 गुणा करिए कितना आएगा 440, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1000 - 440 घटा देंगे 560। T 12 का मान भी आ गया, मतलब पहली किस्त हमारी कितनी आ गई, प्रथम किस्त 1000, तो लिख देंगे हम यहाँ पे प्रथम किस्त या तो पहली किस्त कितना है रुपया 1000 तथा अंतिम किस्त रुपया 560। यहाँ पे आखिरी जो लाइन होता है इबारती वाले सवाल में लिखना बहुत ही जरूरी होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमने एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत ईजी है, इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर जो 5 मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार और समझिए। कारगिल में किसी सप्ताह के सोमवार से शनिवार तक का तापमान दर्ज किया गया है। बाद में ध्यान आया कि दर्ज जानकारी अंक गणितीय श्रृंखला में, मतलब सोमवार से लेकर शनिवार तक कितना दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं। अब उस 6 दिनों के लिए मैंने बताया था आपको क्या है, संख्या लेनी है। और संख्या कैसे लेनी है, 3.3 में जो हम किए थे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 उसकी तरह ही लेना है। तो बता देता हूँ मैं आपको संख्या लेना कैसे है। सपोज करिए आपको यहाँ पे 2-3 संख्या बोला, तो सबसे पहले आप पहली संख्या ए मानिए, इसके एक आगे जाना है एक इधर जाना है, तो इधर जाना मतलब हम पहली संख्या लेंगे। तो रिवर्स में मारेंगे ना, तो कभी भी a माइनस डी डिफरेंस मान लेंगे, a माइनस डी पहली संख्या हो गई और यह दूसरी संख्या हो गई, तो तीसरी वाली क्या होगी, a प्लस डी, अपोजिट में गए, हो गया। अगर तीन पद बोलेगा तो पहले a लेना है आपको, फिर एक पहले इधर जाएंगे फिर एक इधर जाएंगे, तीन पद हो गया। अब इसे चार पद लेना है तो कैसे लेंगे, a फिर एक इधर जाइए a प्लस डी, एक इधर जाइए क्या हो जाएगा a माइनस डी, हो गया। फिर चाहिए आप इसको इधर जाइए a माइनस 2d, ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, चार पद हो गए। इसी तरह पांच पद निकालना है, तो a एक इधर जाना है एक इधर जाना है, पहले इधर माइनस इधर जाना है क्योंकि पहले पद पहला पद होना चाहिए, तो ये बीच वाला हो गया, ये पहला हो गया, इधर जाएंगे तो ये दूसरा, 1, 2, 3 हो गया। अब फिर से इधर आइए a माइनस 2d और यहाँ पे आगे जाइए a प्लस 2d, हो गया 1, 2, 3, 4, 5 पांच पदों के लिए मानिए। इसे 6 पद के लिए कैसे मानेंगे, ए रखिए एक यहाँ पे रिवर्स पहले मारेंगे a माइनस डी, फिर यहाँ पे a प्लस डी, फिर यहाँ पे a माइनस 2d, फिर एक यहाँ पे a प्लस 2d, फिर एक यहाँ पे a माइनस 3d। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया 6 दिन का, 1, 2, 6 दिन का हो गया। अब हमें कौन सा लेना है, ये 6 दिन का ही लेना है, तो आप ध्यान में रखिएगा a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, इसी को हमें मानना है। सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार, ये पूरा 6 दिन का क्या है तापमान हमें यहाँ पे लेना है। तो चलिए हम इसको लिख के यहाँ पे बताते हैं। माना सोमवार से शनिवार, शनिवार तक का तापमान क्रमशः क्या लेना है, पहला a माइनस 3d, a माइनस डी, और सब ना डिग्री में है, ध्यान दीजिएगा हम लिख नहीं रहे, लास्ट में हम फाइनली डिग्री में लिख देंगे, a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी तथा a प्लस 2d है, मतलब यह सोमवार का है, मंगलवार का है, बुधवार का है, गुरुवार का है, शुक्रवार का, और यह क्या है शनिवार का, हो गया 6 दिन का तापमान। अब पहली शर्त में क्या दिया है कि सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल मंगलवार तथा शनिवार के तापमान के योगफल से 5 अधिक है। पहले हमें सोमवार और शनिवार का ध्यान देना है, तो पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार क्या बोल रहा है, सोमवार और शनिवार, सोमवार कौन सा है, ये है a माइनस 3d प्लस, शनिवार ये है a प्लस 2d, किससे 5 ज़्यादा है, मंगलवार और शनिवार, मंगलवार कौन सा है ये वाला a माइनस 2d प्लस, शनिवार कौन सा है a प्लस 2d, इससे कितना अधिक है, 5 अधिक, यही है सोमवार और शनिवार के तापमान का योगफल मंगलवार और शनिवार के तापमान के योगफल से 5 अधिक है, बना दिया हमने सर। अब कैंसिलेशन करना चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, बहुत इजी है। देखिए एक ए से एक ए कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, 2d से 2d कैंसिल, या तो डी 2d यहाँ भी कैंसिल हो सकता था, उसको हमने कैंसिल कर दिया। अब बचा हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस 3d इज इक्वल टू माइनस 2d प्लस 5, इसको इस साइड लाते हैं, माइनस 3d प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 2d इज इक्वल टू 5, ये कितना होगा माइनस डी इज इक्वल टू 5, लेकिन कभी भी चरांक हमारा माइनस में रहता है तो d का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, d का मान हमने निकाल लिया, ये हमारी पहली शर्त था। अब दूसरी शर्त देखिए वहाँ पे क्या बोल रहा था, यदि बुधवार का तापमान माइनस 30 डिग्री सेल्सियस हो तो प्रत्येक दिन का तापमान ज्ञात करो, मतलब पहले दिन का जो बुधवार का है उसका दे दिया है, तो दूसरी शर्तानुसार हम लिखेंगे, चलिए दूसरी शर्तानुसार
दूसरी शर्त में क्या है, बुधवार का तापमान दिया है, तो आप बुधवार को देख लीजिए कौन सा होगा, सोमवार मंगलवार बुधवार ही है। ए माइनस डी की वैल्यू कितनी है, माइनस 30 है। अब यहाँ पे एक डी की वैल्यू हमने निकाला है, डी की वैल्यू में आप पुट कर देते हैं, ए माइनस माइनस कितना 5, ए माइनस है, ए माइनस अपना अलग से है तो ये ब्रैकेट में रहेगा, इज इक्वल टू माइनस 30, ए प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 30, सो ए इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 5, सॉरी माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि प्लस उधर का तो माइनस, तो ए का मान कितना आ जाएगा, माइनस 35। अब ए का मान आ गया, डी का मान यही तो निकालना था हमें, ए का मान डी का मान आ गया तो हम ये सब आसानी से निकाल सकते हैं, ए और डी का मान रख देते हैं, हमारा जो 6 दिन का तापमान आसान से निकल जाएगा, तो ए बराबर माइनस 35 तथा डी बराबर माइनस 5 रखने पर, चलिए रख देते हैं यहाँ पे फटाफट, ए माइनस 3D, फिर दूसरा क्या है, ए माइनस 2D, ए माइनस जी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ये सभी दिन का हम लिख दिए, अभी सबकी वैल्यू फटाफट रख देंगे, आंसर हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार सबका तापमान आ जाएगा। ए माइनस 3D, ए का मान कहाँ है भाई, यहाँ पे है, माइनस 35 माइनस 3 इंटू माइनस 5 यही होगा, माइनस 35 एज इट इज रखिए, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 × 5 = 15 प्लस 15 माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, 35 में से 15 जाएगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस है तो माइनस है, तो कितना आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस, और बाद में हम लिखेंगे फाइनल में, ये 20 डिग्री सेल्सियस लिखना जरूरी है क्योंकि तापमान रुपये में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ए माइनस 2D, ए माइनस 35 माइनस 2 गुणे माइनस 5 माइनस 35, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 5 दूनी कितना 10, घटा दीजिए कितना आ जाएगा, माइनस 25, लेकिन बड़ा माइनस इसलिए माइनस 25 हम लिख रहे हैं, माइनस 25। नेक्स्ट ए माइनस डी, 35 माइनस माइनस 5, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस 35 प्लस 5, 35 में 5 घटाओ कितना आएगा, 30, लेकिन बड़ा माइनस है, माइनस 30, पहला कितना आया, माइनस 20, दूसरा कितना आया, माइनस 25, तीसरा वाला कितना आया, माइनस 30, और चौथा ए का मान, अच्छा तीसरा माइनस 30 कैसे आया वो देखिए यहाँ पे भी दिया है, ए माइनस डी इक्वल कितना, माइनस 30 दिया है, तो उसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी दिया है, हमने यहाँ फाइंड भी कर दिया, ए का मान कितना होगा, माइनस 35, और ए प्लस जी मतलब माइनस 35 प्लस माइनस 5, माइनस 35 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, कितना आ जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 35 और माइनस 5 कितना जाएगा, माइनस 40। फिर अगला ए कितना है, माइनस 35 है, माइनस 35 प्लस 2 गुणे माइनस 5, माइनस 35, 5 दूनी 10, देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 45। देखिए सब मैं माइनस में ही आया, पहला हमारा कितना आया, माइनस 20, फिर दूसरा माइनस 25, माइनस 30, माइनस 35, माइनस 40, माइनस 45 आ गया, तो लास्ट लाइन आपको लिखना जरूरी है, लास्ट लाइन में बता दे रहा हूँ आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ जगह की वजह से, लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, इसीलिए सोमवार से शनिवार का तापमान क्रमशः माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस कैसे लिखेंगे, 20 डिग्री और यहाँ पे सेल्सियस में सी लिख दीजिएगा चलेगा, 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस माइनस 35 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 35 डिग्री सेल्सियस माइनस 45 डिग्री सेल्सियस तथा माइनस 40 तथा माइनस 45 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको हमने आपको करके बता दिया। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.4 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल को एज ए मेंबर ज्वाइन करते हैं तो आपको ढेर सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि देखिए पढ़ाई करते समय जब मैथ और इंग्लिश होता है, जब पढ़ाई करते हैं तो हमें बहुत ढेर सारे डाउट्स आते हैं, तो उस समय हम डाउट्स क्लियर करने के लिए कहाँ पे जाएं। अगर आपको स्टडी करते समय पढ़ाई करते समय अगर कुछ डाउट आता है जैसे मैथ का है, देन आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हैं और तुरंत हम कोशिश करेंगे तुरंत आपके उस डाउट को क्लियर करें। अगर आप हमारे चैनल को एज ए मेंबर ज्वाइन करते हैं तो एक बेनिफिट और है कि आपको जो भी स्टडी है एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट रहेगा लगातार मिलते रहेगा हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट या तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड एजुकेशनल टिप्स और वीडियोस के लिए आज ही हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करें।